हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप लैंडिंग। सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देखो, मेरा टेक ऑफ देखो, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर लैंडिंग देखो, मेरे लैंडिंग कैसे हो रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे लैंडिंग कैसे करेंगे, लॉन्ग जंप में लैंडिंग कैसे करना चाहिए। अगर आप लैंडिंग अच्छे से करते हो तो आपका जो डिस्टेंस है अच्छे से नाप सकेंगे और आपका जो डिस्टेंस है वो अच्छे से दोस्तों बढ़ेगा। लैंडिंग दोस्तों कैसे करना चाहिए, अगर आप लैंडिंग करते वक्त अगर आपका हाथ पीछे रह जाता है, एक तो पूरी बॉडी पीछे रह जाता है, तो बिल्कुल गलत है। जब आप टेक ऑफ लगाते हो, यहाँ पर जब आप टेक ऑफ लगाते हो, टेक ऑफ लगाने के बाद जब एयर में होते हो, तब का आपको क्या करना चाहिए, तब आपको दोस्तों लैंडिंग करते वक्त आपको ये दोनों हाथों को इस तरह से आर्च करना है। वीडियो में देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। जब हम लैंडिंग करते हैं, यहाँ पर टेक ऑफ लेने के बाद इस तरह से जब हम एयर में रहते हैं, तब आपको इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर लेके आर्च करना है। ऐसे और आर्च करते वक्त आपको पैरों को भी ऊपर लेना है और हाथ को भी ऐसे आपको आर्च करना है, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और इसके वजह से आपकी जंप भी बढ़ेगी। इस तरह से आपको आर्च करना है, आर्च करने के बाद फिर आपको लैंडिंग करना है। दोस्तों लैंडिंग जब आप करते हो, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर जब आप इस तरह से लैंडिंग करते हो, ये बिल्कुल गलत है। आपको दोस्तों ट्राई करना है नीचे गिरना। और जब हम दोस्तों लैंडिंग करते हैं तो यहाँ पर देखो, मेरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी इस तरह से आपको आगे तक खींचना है और पैरों को पहले आपको इस तरह से रेती में रखना है और फिर उसके बाद आपको इस तरह नीचे गिरना है। दोस्तों आपको दोस्तों आगे आगे जाना है, आपकी पूरी बॉडी इस तरह से आपको आगे फेंकना है, नहीं तो आप इस तरह से साइड भी जा सकते हो, इसकी वजह से भी आपका लैंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये परफेक्ट तरीका है दोस्तों लैंडिंग करने का। और इसके वजह से क्या होता है, जब आप लैंडिंग ऐसे करते हो, जब नीचे करते हैं दोस्तों, आपका इस तरह पैर को इस तरह से आगे जाता है, पैर आपका आगे जाता है और इतना डिस्टेंस आपका बच जाता है, और डिस्टेंस अच्छे से लाने के बाद आपकी जंप भी अच्छे से हो जाती है। इसलिए हमें दोस्तों इस तरह से लैंडिंग करना है, दोनों पैरों को रखने के बाद आपको साइड पर जा सकते हैं। ये परफेक्ट तरीका लैंडिंग करने का, और दोनों हाथों को इस तरह से जर्क करने के बाद भी आपकी लॉन्ग जंप अच्छी जाएगी। इसलिए हमें जब आप लैंडिंग करते हो, तब आपको दोस्तों दोनों पैरों को इस तरह से रखने के बाद आपको बॉडी को साइड पर ले जाना है, नहीं तो आप आगे भी जा सकते हो। इस तरह से हमें लैंडिंग करना है, और लैंडिंग करने की कुछ एक्सरसाइज तो यहाँ पर मैं स्टैंडिंग आप लॉन्ग जंप लगा सकते हो। लॉन्ग जंप सुधारने के लिए और लॉन्ग जंप लैंडिंग सुधारने के लिए दोस्तों आप इस तरह से ब्रॉड जंप लगा सकते हो। इस तरह से आपको हाथों का जर्क लेके इस तरह से आपको होल्ड रखना है, आपको 90 डिग्री में होल्ड रखना है। और लॉन्ग जंप में अगर हमें लॉन्ग जंप भी बढ़ाना है और लैंडिंग भी अच्छा करना है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसके साथ या 8 रेपिटेशन आप लगा सकते हो। और उसके बाद अगर हम एडवांस इस तरह से हमें ब्रॉड जंप लगाना है तो दोस्तों इस तरह से आपको हाथों का जर्क लेके आपको दोनों पैर को इस तरह से आगे लेना है और ऐसे लैंडिंग करना है, इसके वजह से भी आपका लैंडिंग अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ आपको दोस्तों 2 स्टेप 4 स्टेप इस पर जंप लगाना है, और 2 स्टेप पर जंप लगाने के बाद आपका जो टेक ऑफ है वो भी अच्छा हो जाता है और आपका लैंडिंग भी आप अच्छा कर जाते हो और आपका जो लैंडिंग है वो परफेक्ट हो जाता है। आपको आदत लगती है इसे, आपको हाथों का जर्क लेके आपको इस तरह से लैंडिंग करना है, और दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको लैंडिंग अच्छा करना है, ऐसे लैंडिंग करने से आपकी लॉन्ग जंप भी अच्छी हो जाएगी, आपका जो लॉन्ग जंप का डिस्टेंस है वो भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें दोस्तों अच्छे से लैंडिंग करना चाहिए, तभी आपके लॉन्ग जंप में अच्छे से फर्क पड़ेगा।